लक्ष्मी जी को अपने घर में निवास करने के लिए प्रार्थना की जाती है। अग्रवा धाम की, अग्रवा धाम की, अग्रवा धाम से राजेश कुमार गर्ग एडवोकेट गोदान अहमदाबाद सभा नजीबाबाद। आज बहुत खुशी की बात है कि नजीबाबाद शहर में महालक्ष्मी जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। अग्रवा धाम में 100 करोड़ की लागत से जो मंदिर निर्माण होने जा रहा है उसी संबंध में यह यात्रा निकाली जा रही है। यह कोई चुनावी सभा नहीं है, केवल धर्म से संबंधित है। माँ लक्ष्मी जी का आज जो भी दर्शन करेगा, जो भी यात्रा में शामिल होगा, माँ लक्ष्मी उसके घर में विराजमान रहेंगे और अपना आशीर्वाद सबको देंगी। हम सबकी प्रार्थना है कि हमारे धर्म में माँ लक्ष्मी जी आकर निवास करें और हमारी मनोकामनाएं पूरी करें। बहुत अग्रवा धाम की। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा अग्रोहा धाम में एक अग्रोहा शक्ति पीठ का निर्माण किया गया है। उसमें हम लोगों ने 51 बीघे जमीन परचेज की, 120 कमरों की एसी धर्मशाला नियुक्त की, माँ माधवी के नाम से अनक्षेत्र हमने वहाँ खोला है। हमारे उस अनक्षेत्र में 1000 आदमी प्रतिदिन निःशुल्क भोजन प्राप्त करते हैं। मेडिकल कॉलेज बराबर में है, मेडिकल कॉलेज का भोजन भी हमारी रसोई से जाता है। उसके अंदर 51 बीघे जमीन में हम लोगों ने 2500 स्क्वायर मीटर में माँ लक्ष्मी का विशाल मंदिर निर्माण करने के लिए ये कदम उठाया है। इस मंदिर में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस मंदिर के लिए 5 क्विंटल चांदी इकट्ठी हो चुकी है, 1.25 क्विंटल की माँ की प्रतिमा तैयार है, 1.25 क्विंटल का माँ का सिंहासन है, 51 किलो की 4 प्रतिमा जो आदि माँ लक्ष्मी की उनके समक्ष स्थापित की जाएंगी। ये बड़ा निर्माण मंदिर बड़ा मंदिर होगा, भारत का ऐतिहासिक मंदिर होगा। हमारा काम समाज को जोड़ने का और समाज के अंदर एक इच्छा शक्ति पैदा करने के लिए हमारा वैश्य समाज अग्रवाल समाज एकजुट हो, एक जगह रहे, इन उद्देश्यों को लेकर ये 18 रथ एक साथ अग्रोहा से 1 दिसंबर सारे भारत के लिए निकले हैं। मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। मेरा नाम प्रमोद मित्तल है, मैं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश और महामंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस समय यात्रा को लेकर चल रहा हूं। मेरे 2 साथी अशोक बंसल जी, शिव कुमार सिंगल जी हमारे साथ सह संयोजक के रूप में 24 घंटे नियत कार्य में वो हैं। ये यात्रा एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, गाजियाबाद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर से होती हुई बिजनौर जिले में पहुँची है। बिजनौर जनपद करने के बाद आज हम चांदपुर में स्टे नाइट करेंगे। कल हमारी यात्रा चांदपुर से धनोरा मंडी गजरोला होती हुई अब वहाँ आपके अमरोहा में नाइट स्टे करेगी। अमरोहा के बाद फिर सारा डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद कवर करेगी। मुरादाबाद से बिलारी चलकर हम लोग बिलारी, चंदौसी, बहजोई, संभल को होते हुए हसनपुर जाएंगे। हसनपुर विश्राम करने के बाद अगले दिन गढ़मुक्तेश्वर को यात्रा होती हापुड़ जिले में पहुंचेगी। उसके बाद 3 दिन का प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का है। क्योंकि जनता से क्या अपील करेंगे आप इसके लिए? जनता से अपील है कि सब लोग माँ लक्ष्मी का वरदान उन्हें मिले, उन्हें आशीर्वाद मिले, आप आए और चाहें अपना प्रसाद माँ लक्ष्मी का ग्रहण करें। आप लोगों ने बहुत बढ़िया जो सम्मान हमें दिया है, यात्रा को जो सम्मान दिया है, उससे हम बहुत उत्साहित हैं। हम नजीबाबाद के अग्रवाल बंधुओं की बहुत तारीफ करते हैं। यहाँ के अध्यक्ष के एक फोन पर जितना उन्होंने कर सका है, मुझे हर जगह इतना ही उत्साह के साथ माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मेरा सभी से निवेदन है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, एकजुट रहें, एक सूत्र में बनते रहें, समाज को, गरीब वर्ग को उठाने की कोशिश करें। हमारे परिवारों में कोई निर्धन लड़की हो उसकी शादी में सहयोग करें और समाज को अच्छे रास्ते पर चलाएं, बच्चों को शिक्षा दें, वो पढ़ें और देश में नाम रोशन करें। क्योंकि हमारा समाज जो है अग्रवाल समाज, वो हमेशा सर्व समाज के लिए जीता है। हमारा उद्देश्य सर्व समाज के लिए है। अगर कहीं किसी कस्बे में 10 पंडियों के परिवार भी हैं, वहीं तुम्हें अग्रवाल धर्मशाला और अग्रवाल।